खबर बदरवास थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बसई के ग्राम रसोई की है, जहां पर रसोई गांव से 5 किलोमीटर आगे जंगल एरिया में बाहर से आए हुए भील आदिवासियों ने फॉरेस्ट की जमीन पर कब्जा कर लिया है। कई बार फॉरेस्ट वालों ने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन भील अपने देसी हथियारों से फॉरेस्ट पर हमला कर देते हैं और भगा देते हैं। आज वन विभाग का पूरा हमला, जब जंगल में अतिक्रमण से जमीन को मुक्त कराने गए तब फॉरेस्ट वालों पर भीलों ने हमला कर दिया और वन विभाग की टीम वहां से भाग गई। रसोई गांव में रहने वाले छोटा गुर्जर पुत्र तूफान गुर्जर निवासी रसोई के पैर में तीर लग जाने से घायल हो गया। रसोई के निवासियों ने बदरवास थाने में आकर भीलों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज करा दिया है। रसोई के ग्रामीणों का कहना है कि हमें वन विभाग की टीम बुलाकर ली गई थी और जैसे हम पर हमला हुआ तो वन विभाग की टीम छोड़कर भाग गई। इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है। जब हम बदरवास थाने में मुकदमा कराने गए तो वन विभाग की टीम ने मनाने से इनकार कर दिया कि हम किसी को लेकर नहीं गए। क्यों? भीलन को बजाने के लिए। तो वो तो उनका काम है ना, पुलिस फोर्स का। तुम्हें कौन ले गया था? हमारे साथ में क्या बोल के ले गए? जो कोई हम चल रहे हैं भीलन को बजाने के लिए, तुम्हारा पाँव के क्या हो गए? तीर कमान कैसे, तीर कैसे लगाए? क्या हो गया था? ऐसी कावात हुई थी जो छोड़ के भागे? पता नहीं सर क्या हुआ उनको, छोड़ के भाग गए। भैया तीर मारे हम, जिनके रेंज वाले के साथ गए थे, रेंज वाले ले गए थे हमसे घर से बुला के, और बिन्ने मारे तीर। जी भैया ऐसे क्या कारण बना जो सामने वाली पार्टी ने तीर चलाया? जी अपने आप देख के मुझे तो भाई वो चालू हो गए। आपको कौन ले गया था? जी रेंज वाले ले गए थे साहब। तो आपकी ड्यूटी थोड़ी, आपको जाना नहीं था? बुला के ले गए थे, बुला के ले गए। आपका नाम? पंजाब सिंह। कल दिनांक 31 अक्टूबर 2021 को वन परिक्षेत्र बदरवास की बीट रसोई में बीट क्रमांक 164 में जो भीलों द्वारा अतिक्रमण है, उस संबंध में बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें उपवन मंडल अधिकारी करेरा के नेतृत्व में वन परिक्षेत्र अधिकारी बदरवास, समस्त स्टाफ, कोलारस वन परिक्षेत्र अधिकारी एवं कोड़नदस्ता CCA, कोड़नदस्ता DFO शिवपुरी, इनकी एक समग्र कार्रवाई थी। उक्त स्थल पर पहुंचने के बाद वन बल पर छिपे हुए भीलों द्वारा तेजी से आक्रमण किया गया, और जिसका सामना पूरे वन बल ने धैर्यपूर्वक किया, किंतु उन्होंने जब नज़दीक आके एकदम से अपने आक्रमण तीरों द्वारा, बंदूकों द्वारा और गोफन द्वारा एकदम तेज कर दिए नज़दीक आके, उस स्थिति में एक ग्रामीण को एक तीर लगा पैर में, और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए धैर्यपूर्वक अधिकारियों ने निर्णय लिया कि स्टाफ को पीछे हटा। हमारे यहाँ पे छोटा पुत्र तूफान सिंह गुर्जर निवासी रसोई ने अपने पैर में तीर लगने की रिपोर्ट की है कालू बिल के विरुद्ध, इस पर अपराध पंजीबद्ध होकर विवेचना में। अभी मौके पे हम लोग गए थे तो रास्ते में वन विभाग की टीम मिल गई थी, वापस आ गए उसके साथ में। अभी मौके पे हमारा अलग से विवेचनाधिकारी गया है, आएगी तो फिर बाद में बता देंगे।